कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे। सन 1947 से चले थे, AK-47 तक आ गए, लेकिन अभी सबके हाथ नहीं खुले हैं, तो मैं दो पंक्तियां फिर पढ़ता हूं और ये कहता हूं कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे। महारानी लक्ष्मीबाई से चले थे, जलेबी बाई तक आ गए। अभी पीछे कुछ हाथ मान के बैठे हैं, मैं दो पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं। स्वागत है। और कहता हूं कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे। गांधी बापू से चले थे, आशाराम बापू तक आ गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगा कि मैं लखनऊ में कविता पढ़ रहा हूं, और दो पंक्तियां संकेत देखना मैंने कहां से उठाई जी। संकेत पहुंचे तो बताना, आप सब बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। मैंने कहा कि आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे। जलियांवाला बाग से चले थे, शाहीन बाग तक आ गए। ये हमारी अपनी आजादी की यात्रा। ऐसी स्थिति में आप लोग मशाल जला के खड़े हैं, सुनील जी मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए कुछ छोटे छोटे व्यंग और पढ़ता हूं। अभी शहीदों की बात हुई, मैं सारे शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन ये वो देश है जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगने रहने लगते हैं। ये वो देश है जहां लोग कह देते हैं कि गर्दन पर चाकू रख दो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कौन से लोग हैं ये? पहले दो पंक्तियां सुनना, बहुत गुस्से में मैंने कभी कही थी, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, चर्चा शुरू हो गई, इनको घर देश से बाहर करो। नहीं कहना चाहिए ऐसे लोगों को कुछ। क्यों नहीं कहना चाहिए? बात पहुंचे तो बताना। दो पंक्तियां पढ़ता हूं, सुना भाई। ऐसे लोगों को कुछ क्यों नहीं कहना चाहिए? क्यों? क्योंकि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। क्या बात है, वाह। और अगली पंक्ति में तो आप हंगामा कर देंगे, मुझे पता है कि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। जुबानें अगर गंदी हो तो प्रार्थना के श्लोक नहीं पढ़े जाते। भीतर 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 शुद्धे APJ अब्दुल कलाम साहब बैठे हों तो भगत मांगते की जय अपने आप निकलती है। क्या कहा था कलाम साहब ने? नई पीढ़ी बैठी, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। एक पंक्ति मंच ने जोड़ी, मैं वो पंक्ति पढ़ता हूं, अपने साथ ले जाना। यार भैया ये छोड़ दो, थोड़ी देर रोक दो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाने नहीं देना चाहता हूं, लेकिन खाते पीते मैं देख नहीं पाता हूं। नहीं, फिर आपके संस्कार भी नहीं है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ सामने बैठ के खाओ, ये भी नहीं हो सकता। सुनना, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। एक पंक्ति ये ले जाना साथ में कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के भीतर घुस के आतंकवादियों को मारा, सलूट। प्रधानमंत्री जी को बधाई, देश को बधाई, लेकिन एक बात गंभीरता से कहता हूं, दिल्ली तक पहुंचाना। इन सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ देश को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, जो पहले होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई। एक बार हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंच सुने में क्या कहना चाहता हूं कि यह सच है कि सीमा पार बैठे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। यह सच है कि सीमा पार बैठे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए न्याय नीति सीधी, सच्ची,
सहज, सख्त और नेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हो या भीतर के, दोनों की सजा एक होनी चाहिए। इनको निपटा लिया जाए, सब कुछ सुधर जाएगा। अभी माननीय लोकेश शुक्ल जी ने बहुत मधुर कंठ से पढ़ते हुए शहीदों को याद किया। मैं एक सख्त कविता पढ़ता हूं। जब शहीदों के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए तो मैंने एक बहुत कठोर व्यंग कहा। बड़े कवि मंच पर बैठे हैं, नई पीढ़ी को सुन के मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि कविता और कवि सम्मेलन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इन सब ने बहुत बढ़िया पढ़ा। इन हमारे नए मित्रों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, आशीर्वाद की, शुभकामना की, ताकि ये लोग अपनी उड़ान ऊंची भरें। शहीदों का अपमान किया गया, थप्पड़ मांगे गए सैनिकों के और सबूत मांगे गए, तो मैंने एक बहुत सख्त व्यंग कहा। मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूं होशो हवास में कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो भाषा कविता की भाषा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए कहने जा रहा हूं, अगर भाषा ये ठीक है तो मुझे आप मोहब्बत देना, दुलार देना, ताकि मैं कह सकूं। सुनिएगा एक व्यंग अपने घर से उठाया। सुनील जी, मैं दफ्तर से लौट के जैसे ही अपने घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते हुए पाया। सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, असर घरों तक पढ़ने लगा। मैं दफ्तर से लौट के जैसे ही घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते हुए पाया, तो मैंने उसे हड़काया। वो डरने के बजाय मुस्कुराया, वो डरने के बजाय मुस्कुराया, तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा, मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। तो बेटा और मुस्कुराया, बोले, अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। अच्छा बोले, अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। और सुनिएगा कि मैंने गुस्से में वहीं पड़ा हुआ उसका ही जूता उठाया, उसके गाल पर पूरी ताकत से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, फिर बड़ों जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप। और संकेत देखना, मेरे बाप, मेरे बाप, मैं खुश था, मेरे मन का कमल अचानक ही खिल गया, और मैं बहुत खुश था कि एक ही जूते से सबूत मिल गया। क्या बात, मैं खुश था कि एक ही जूते से सबूत मिल गया। आइए मैं एक अंतिम कविता पढ़ता हूं, समय की सीमा है। आप लोगों के आशीर्वाद से 24 देशों की यात्रा की, कई बार अमेरिका, कई बार कनाडा, कई बार इंग्लैंड, और वहां के भारत वंशियों से मुलाकात की, कविता पढ़ी। आपकी ही दुआ से राष्ट्रपति सम्मान मिला। आपको ये जान के अच्छा लगा है कि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के योगी सरकार ने मेरे लिए 2 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का श्री नयन चतुर्वेदी सम्मान की घोषणा की। ये सब आपकी मोहब्बतों के बल पे है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी सर उठा के खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। आखिर क्या है वो ताकत, मैं उस ताकत को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के मुझे आदेश कर दीजिए। एक निवेदन करता हूं, इस कविता के बीच में कोई मत उठिएगा। क्या है वो ताकत, मैं ये कहता हूं, ये ताकत क्या है कि हम नहीं भूले, नहीं भूले, हम नहीं भूले, नहीं भूले, अभी तक हम नहीं भूले, नहीं भूले, संस्कृत और संस्कारों का धरना, हम नहीं भूले, नहीं भूले, हर शुभ काम के पहले भगवान की पूजा करना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। एक पंक्ति देखना, दुनिया के सारे देश अपने लिए सोचते हैं, हमारे हिंदुस्तान का सोच कितना बड़ा है। आप स्वामी जी सुनिएगा, एक पंक्ति आपके अध्यात्म से उठाता हूं। सुने मंच, हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं, हमारे भगवान शिव शंकर दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। हम पड़ोस के सुख में सुखी, हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके सुख में दुख दुख में दुखी होते हैं। हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते,
हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। वाह 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 वाह। यानी कि ये विकसित देश के लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। तब पंक्ति सुनिया होगी होगी किसी के पास, आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार। वाह वाह वाह। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औसत देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। आई कोई देश? और औसत देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता पिता बुजुर्ग और गुरुओं को भगवान के बराबर जानते हैं। वाह वाह वाह। अंतिम टुकड़ा सुनना, क्यों हम सुरक्षित, क्यों मजबूत? क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। हाँ। कौन कौन लड़ता है? अपनी अपनी भूमिका तलाशना। कल्पना कीजिए किसी किसान के घर का बेटा सीमा पर है और घोषणा हो गई युद्ध की, तो कौन कौन लड़ेगा उसके साथ? ये पंक्तियां मुझे याद है, जब मैं नेहरू सेंट्रल लंदन में पढ़ी तो वहां के भारतवंशी खड़े होकर ताली बजा रहे थे सैनिकों के सम्मान में। वो दृश्य मैं आज तक जी रहा हूं। लेकिन पंक्तियां आप सुनना, मैं राजधानी में खड़ा हूं और बीच से कोई नहीं उठेंगे। पंक्तियां सुनना कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है? अपनी भूमिका तलाशना। कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत और बच्चों की किलकारियों के साथ पूरा देश लड़ता है। जय जय मातरम मातरम। हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। पुलिस के एक सज्जन बैठे हुए हैं सामने, मैं आपको नमस्कार करता हूं। एक बात कहता हूं कि हम भगवान राम को मानते हैं, हमने भी भगवान श्री राम के जयकारे लगाए, लेकिन हमने भगवान राम को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा। हमारा विश्वास है कि हमारी रक्षा करते हैं, हनुमान जी पे भी विश्वास है हमारी रक्षा करते हैं, भोलेनाथ पे भी विश्वास हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमने जिन प्रत्यक्ष भगवानों को देखा है वो हमारे सीमा पर तैनात सैनिक और शहर के भीतर तैनात ईमानदार पुलिस कर्मचारी हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। अब ये पंक्तियां सुनना कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां, और उनके साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं, और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। एक संदर्भ लेता हूं, थोड़ा ज्यादा तालियों की जरूरत पड़ेगी जिस शख्सियत की तरफ संकेत कर रहा हूं। आज दुनिया के तमाम देश, मुकेश जी सुनेगा, आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहां की अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, हम एक हैं एक, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। अंतिम दो पंक्तियां सुनिएगा कविता की, और पहली पंक्ति स्वाभिमान के रूप में सुनिया और दूसरी पंक्ति आनंद के रूप में सुनना। हाँ सुन भैया, अंतिम दो पंक्तियां ये मैंने बाद में जोड़ी, लेकिन पहली पंक्ति स्वाभिमान के रूप में और दूसरी आनंद के रूप में। स्वागत है कि आज
दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से दुनिया में परिवर्तन हुआ है, ये क्या बात है दादा, हमने प्रत्यक्ष देखा है। तो सुनना कि आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है, और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है।